दोस्तों आज हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलन। ठीक है, हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन में है 3/5 डिवाइड का साइन है 1/2, दोनों तरफ फ्रैक्शन है। अब हमें इसको कैसे सॉल्व करना, तो देखो 3/5 डिवाइडेड बाय 1/2, तो या तो आप इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए 3/5 फिर 1/2 लिखो तो यह वहाँ पर चलेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम इसको क्या करते हैं 3/5, अब इसको इस साइन को मल्टीप्लीकेशन में करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमिनेटर को नीचे कर देते हैं। मेन डिनोमिनेटर ऊपर चला आ जाएगा और न्यूमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो ये साइन किस में हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। ठीक है, आप सीधे कर दो, 3 × 2 जाए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 बन जा 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है 2/1/2 डिवाइडेड बाई 3/5। अब ये हमारा मिक्स में है, तो पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कर देते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 = 4, और इसको क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। इन दोनों को इंटू में, इन दोनों को पहले इंटू 2 × 4, जितना आंसर है इसमें इसको 1 को + 5 डिवाइडेड बाई 3/5। अब जब इसको सॉल्व करना है तो 5/2 तो ऐसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन होगा तो क्या हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। फिर इसको 5×5 = 25, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 2×3 = 6, तो इस ढंग से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, अगर हम इसको देखेंगे 5/1/6 डिवाइडेड बाई 7/2, तो इन मैंने क्या कहा, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन और ये दो प्लस, तो 6×5 = 30 और 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 31/6 डिवाइडेड बाई 7/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए 31/6 मल्टीप्लाई करने के लिए 2/7, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 × 2 और 2×3 = 6 और 7×6 = 42, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो थैंक यू।